हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फाइनेंस अज्ञान और आज मैं आपको बताऊंगा मुन्ना भाई MBBS का क्रेडिट कौन ले गया था। जान के आप काफी हैरान हो जाएंगे, बहुत शॉकिंग है आपको। देखिए, मुन्ना भाई MBBS 2003 में रिलीज हुई थी, जिसका बजट था 10 करोड़ रुपये। ठीक है, बॉक्स ऑफिस में इसमें कलेक्शन किया था करीब 37 करोड़ रुपये। ये बॉक्स ऑफिस सिर्फ कलेक्शन है। इसका म्यूजिक राइट्स और ओवरसीज राइट्स और अपना सेटेलाइट राइट मिला कि ये फिल्म, और ये अंदर का इन्फॉर्मेशन खाली मैं ही देता हूँ आपको। ठीक है, तो 30 करोड़ रुपये और मान लो, ठीक है, तो हो गया 60, और ये 67 मतलब 70 करोड़ रुपया ये फिल्म ने कमा लिया। ठीक है, संजय दत्त की मूवी थी। इस मूवी का पहला ऑफर शाहरुख खान के पास गया था, फिर आमिर के पास गया था, दोनों ने मना कर दिया था। फिर लास्ट में संजय दत्त को लेके बनाई गई थी फिल्म, और ये फिल्म बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। ठीक है, तो मैं इसका बताता हूँ क्रेडिट था। चार मेन जा रहे थे। एक थे अपने संजय दत्त, सेकेंड थे अपने वो बोमन ईरानी जी, अरशद वारसी, सर्किट, और फोर्थ जा रहा था स्वयं राजू ईरानी जी, क्योंकि बिल्कुल यूनिक फिल्म थी और बिल्कुल अलग फिल्म थी। तो इसमें क्रेडिट डायरेक्टर को भी जाता है कई फिल्म में नदीम श्रवण को मिला है, कई में अनु मलिक को मिला, रहमान को मिला है, कई में डायरेक्टर को मिला है। तो इसमें आपको मैं आगे बताऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दो दोस्तों, बहुत मेहनत करना पड़ता है और ये सब आपके लिए। ठीक है, तो ऐसी कई फिल्म होती है बॉलीवुड में जिसका क्रेडिट देना काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि बहुत से किरदार उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। जैसे शोले थी, जैसे अंदाज अपना अपना था, इसमें सब किरदार बहुत से हंगामा था, तो कंफ्यूज हो जाता है कि हम किसको देंगे, किसी एक को देंगे तो वो दूसरा बुरा मान जाएगा, उसको देंगे तो उसको बुरा मान जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसमें अच्छा काम किया था। ठीक है, लेकिन जब फिल्म ट्रेड, फिल्म एनालाइज, जब फिल्म फेयर, फिल्म ट्रेड और फिल्म एनालाइज ने इसका क्रेडिट देने को दिया, और सब पब्लिक से मेन वो लोग रिव्यू ले लेते हैं। ठीक है, उनकी टीम होती है जो जाके पब्लिक से रिव्यू लेती है कि आपको इस फिल्म में क्या अच्छा लगा, आपको इस फिल्म में ऐसा कौन सा करेक्टर था, आपको म्यूज़िक अच्छा लगा, आपको डायरेक्शन अच्छा लगा, आपको स्टोरी अच्छी लगी, आपको स्टार कास्ट अच्छे लगे, ऐसी कौन सी चीज़ थी आपके जो मन में छाप छोड़ गई। क्रेडिट हमेशा उसी को मिलता है जो फिल्म में छाप छोड़ देता है। अगर आप फिल्म का नाम लें तो सबसे पहले आपके सामने वो किरदार आना चाहिए, वो छाप आना चाहिए, या फिर पूछे मुन्ना भाई MBBS का कुछ बताओ, कुछ डायलॉग बताओ, तो आप उस फटाक से बिना सोचे समझे फट से एक डायलॉग बोल दें। तो लास्ट बता दे रहा हूँ कि इस फिल्म का पूरा ओवर क्रेडिट मिला था संजय नहीं, बोमन ईरानी नहीं, अरशद वारसी को, सर्किट को, क्योंकि पब्लिक बोली हम फिल्म गए, संजय दत्त का परफॉर्मेंस एवरग्रीन, बोमन ईरानी बढ़िया, लेकिन सर्किट ने जो काम किया था, अरशद वारसी एज ए न्यू कॉमेडियन, में उसके पहले वो कॉमेडी करते थे लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर बन गए थे कि जब हम निकले तो ये सर्किट 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 नाम भी ऐसा दिया था, और ओवर फिल्म में जब सर्किट आया तो हमको बहुत अच्छा लगा। खासकर सर्किट का किरदार इतना अच्छा लगा कि हम आज तक मुन्ना भाई MBBS को नाम लेते हैं तो ना संजय दत्त का डायलॉग बोलते हैं, ना बोमन ईरानी का डायलॉग बोलते हैं, हम सिर्फ याद करते हैं सर्किट को एवरग्रीन। और अरशद वारसी का कैरियर बहुत डाउन पे फॉल पे था, लेकिन उनका कमबैक मुन्ना भाई MBBS से है। अगर मुन्ना भाई MBBS नहीं आती तो अरशद वारसी भी इतनी फिल्में नहीं कर पाते और RS बड़े स्टार नहीं बन पाते। तो ये फिल्म उनकी गेम चेंजर थी, और इसके बाद जब उनको क्रेडिट दिया गया उसके बाद वो फिर एक अलग ही मुकाम पे आज आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े रोल, कितने वेब सीरीज वो करते हैं। तो पूरा क्रेडिट सर्किट को दिया गया। अब आपको अच्छे लगे तो कमेंट करके बताना, वीडियो आपको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तो बाय बाय, शुक्रिया और शब्बा खैर दोस्तों।